बड़ो बहु। आज तो कमला भाभी और पिंकी ने घड़ी मेहनत की है, सारा खाना उन दोनों ने बनाया है। गड़ा तीखा सही, अरे मिर्ची की सब्जी बना दी के। हम दोनों कल चले जाएंगे तो यहाँ सभी कैसे संभालेंगे? वैसे मन ने भी घनी खुशी हो रही है कि मैं मुंबई जा रही हूँ वर्कशॉप के लिए। चल इफ्तारी पैकिंग ना मैं करूंगा। और अगर आपने मेरी मदद करनी है ना लक्की जी, तो जब मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो आप इस घर को अच्छे तरह संभाल लेना। तो घबराना, मैं सब संभाल लूंगा। देखिए अगर आप हार मान लोगे ना तो मन ने हीरा जी को आपकी अम्मा के पास ले जाना पड़ेगा, कि वो फैसला आपके हाथों में है। क्योंकि किसी ने अम्मा या किसी और को हीरा जी के बारे में कछु बताने की कोशिश की ना तो बजरंग बली की सौगंध हमसे बुरा कोई नहीं होगा। किसी से मिलना है? किससे मिलना है? तू नज़्म नज़्म सा मेरे होंठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागू रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर में भागू। सॉरी भाभी जी, यो इस तरह आने के लिए। अरे इसमें के सॉरी, अच्छा हुआ आप आ गए। इब यहाँ कोई चोर छुपा होगा ना तो आपने देख के डर जाएंगे। ये बात है भाई, हमारे जट्टा जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। अरे जट्टा जी के बिना के मजा आएगा? ये तो त्योहार का मजा ही खराब हो गया। उनके कार्यक्रमों के बिना त्योहार का मजा ही नहीं आएगा। ये मालती, ये घनी गड़बड़ होगी कि मन जट्टा था यहाँ प्रोग्राम करने खातिर गया था और उसने एन मौके पे बेराना ऐसा कौन सा काम बैठ गया, वो चला गया। हाय लोटे का सारे तू हर का मजा खराब हो गया मेरे जैसे। ना ना भाभी, कोई प्रोग्राम खराब ना होया। देखो यो लोड़ी है, खुशियों का त्योहार है और मारे लिए कितनी बड़ी खुशी का समय है। मारे पति पे जितने इल्जाम थे सब गलत साबित हो गए। हमारा अखाड़ा वापस मिल गया, मारा छोड़ा फिर से अखाड़े में उतर गया और मारी बहू वो जिला स्तरीय कुश्ती जीत गई, तो फिर इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है? हाँ, फिर जट्टा नाचे ना नाचे मेरे को कोई फर्क ना पड़ता, मारी खुशियां बिल्कुल कम ना होंगी इससे।
जाए श्वेरा। यो तो घना ही अच्छा काम किया तूने, सुबह सुबह पूजा कर ली। खुश रह राजी रह। कुंभकर्ण की छोटी बहन से न्यू कौन है उठाए? तितली उठ बेटा, उठ उठ तितली, इतना क्या सो रही है? आए मालती, तू इसने उठा रही है या सोया रही है? हैं? नू उठ जाएगी या? नू थप थपा के तो उल्टा और सो जाएगी या? गहरी नींद में? तितली, तितली उठ बेटा, देख सूरज सिर पे आ गया है, पूजा भी हो गई हमारी, उठ तितली। ये मालती, या छोरी राम सिंह ने तेरे भरोसे भेजी है यहाँ, और मने इसके लक्षण को ना दिख रहे हो, कोई काम काज सीखेगी और नू चलता रहा ना तो इसकी सास एक दिन धक्के मार के इसने घर से बाहर काट देगी। और नाम बदनाम बेरा किसका होगा? तेरा। हाँ, अगर तू कह तो मैं इन्हें अच्छी तरह सुधार दूंगी। बेरा ने इसे कितनी छोरियों के दिमाग ठिकाना लगा दिए मना, पर तू परेशान मत होइए, मैं तेरे साथ कोई चलाकी नहीं करूंगी, बिल्कुल सच्चे अच्छे मन से तेरी मदद करूंगी। ठीक है तो इब देख तमाशा तू हट जा पाचन। भागो भागो घर में, भागो यहाँ से। गहने किधर रखे से? किधर के गहने? दरअसल बात यो है ना कि बरदान दिन भर काम में लगा रहता है और प्रज्ञा घर के कामों में व्यस्त रहती है, तो दोनों साथ रह के भी साथ ना आए। अगर वो साथ रह के भी साथ ना आए तो उन दोनों को इस घर से जाना होगा। विशु मार दे इसे, हट जाओ विशु, ये स्वर्गाधिपति डालनी का आदेश है। अपने विष से भयभीत कर गोकुल वासियों को गांव छोड़ भागने पर बाध्य करता है कालियानाथ। गोकुल वासियों की सहायता हेतु कान्हा को मुक्त करने का सुझाव देने पर नंद बाबा तथा मैया यशोदा में होता है विवाद। गांव में एक ठो अनाज का प्रोग्राम हो रहा था, पंडित रामफल हमको गोद में उठाने का कोशिश किए, हमरा भार नहीं संभाल पाए तो लद्दा से हमका गिरा दिए, हमरे कमर में नचका चला गया है। अब कैसे हैं बरबूती जी? मैंने तो उसे घर से ही बाहर निकाल दिया, आपको पता है वो कल पूरा दिन मेरी बेइज्जती कर रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, वो बात ये है ना कि अंदर जाओ, 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 नहीं अंदर नहीं जाएंगे आप। अंगूरी जी बताइए क्या बोल रही थी आप? सृष्टि होश में आओ, उसे मारना है। सृष्टि हट जा मेरे रास्ते से, हट जा मेरे रास्ते से, मार डालूंगी तुझे, मार डालूंगी मैं।